बहुत बहुत धन्यवाद बड़े दादा संजय दा। और आज हमरा के बीच पांचों पंचायत ले आवल मर माई बहिन काकी जेठी और दीदी बहिन रा और साथ साथ हमरा पार्टी के सुप्रीमो हमरा सुदे दादा के मंच में जितना भी मंच आती नहत सबके मोर बाटे जमा जमा जोहार है प्रणाम है। आज बहुत खुशी के बात है कि जी की हमरा आज इस सभा स्थल में हमरा सब का एकत्रित होना ही हो और आज इस सभा का बहुत जोना क्षेत्र कहते हैं बहुत उत्साह वर्धन करे वाला भरने वाला आज काम होना है और हमें यही सोचे विचार रखी है बारह हाथ में मजबूत करे का है और पहले मतदान होकर बाद जलपान करे का है सभी सम्मानित परिवार के मैं आग्रह कर भी हूं कि इस बार हमरा के 1 लाख पार और हमारा जोना इस बार 10,000 पार आज साबित हो गया है सुनिश्चित हो गया है कि इस बार सिल्ली में किला का अधिकार है और सिल्ली के साथ साथ पूरा झारखंड में हम लोग का परचम होने वाला है। इसलिए सबको फिर पुनः आग्रह करेंगे कि आप लोग हम सुदेश दादा का साथ में चलना है और विकास को करना है जो कि आज 73 साल गुजरने के बाद आज तक इस तरह का गांव घर में चूल्हा प्रमुख का जिम्मेदारी नहीं दी गई थी और इस 2019 में हम लोग सब कोई मिलके हरेक व्यक्ति को 5-6 करके हरेक घर का जिम्मेदारी दिया गया है और उस जिम्मेदारी को हम लोगों को बखूबी निभाना है और भैया का हाथों को मजबूत कराना है। और ज्यादा ना कहते हुए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः सभी आगंतुकों को जोहार प्रणाम और नमस्कार करना धन्यवाद धन्यवाद अमर बाबू। अब आपके सामने हमारे जीदू से नए उभरते हुए साथी शंकर मुंडा जी को मैं आमंत्रित करूंगा, 2 शब्द रखेंगे और हमारे गुड़ीडी पंचायत के मुखिया भीम सिंह मुंडा जी से आग्रह है कि आप सभा स्थल के स्टेज में आने का प्रयास करें। भीम सिंह मुंडा जी जहां कहीं भी हो मंच पे आने का कष्ट करें और तमाम मुखिया जितना उपस्थित है वो मंच पर आने का कष्ट करें। आज इस मैदान में उपस्थित दूर दराज से आए हुए माताएं बहनें बुढ़ा बुजुर्ग हम उम्र साथी और यहां पर मंच में आसीन हमारे केंद्रीय सचिव संजय सिद्धार्थ जी और मंच में आसीन हमारे केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत जी और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंच में विराजमान हमारे विकास पुरुष सिल्ली के विकास पुरुष श्री सुदेश कुमार महतो जी, सबको मेरी ओर से झारखंडी जोहार है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज इस मैदान में हम लोग एक विकास की लड़ाई के लिए एकजुट हुए हैं, विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हुए हैं। हम लोगों को आज इस मैदान से संकल्प लेकर घर की ओर जाना है और इसी मैदान से शुरू करना है और सपना को साकार करने का जो संकल्प हम लोगों ने यहां से लिया है और यहां से लेंगे, उम्मीद है कि आप लोग जरूर से जरूर इस चीज को समझिएगा और आज का यहां जो भी बात होगी विशेष रूप से सार्वजनिक रूप से व्यक्तिगत रूप से जो भी बात होगी
सबको अपने अपने हिसाब से सोच समझकर संकल्प लेकर जाना है, गांव को बदलना है, विधानसभा को बदलना है, प्रखंड को बदलना है, पंचायत को बदलना है। आज हमारे साथ इस सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जितने भी दुर्दशा फैली हुई है, विगत 5 सालों से हमने उनको झेला है, विगत 5 सालों से हमने उनका सामना करते हुए आया है। आज हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है, सिल्ली विधानसभा की दुर्दशा इतनी खराब हो गई है कि हमें कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है। आज विकास की बात करें, विकास की गति कहां थी और आज पीछे घसक के कहां चली गई, इसके बारे में पूरे सिल्ली के लोगों को सोचना है, जोड़ा के लोगों को सोचना है। मैं यही कहूंगा, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता हैं, बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं जो अपने हिसाब से बात रखेंगे, लेकिन मैं अंत में एक ही चीज कहूंगा, इस बार प्रस्तावित प्रखंड चुनाव में इस बार 13,000 पार यह तय करना है। जैसे भी हो, हम लोगों ने ठाना है कि सुदेश भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है, गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करना है और उनको समझाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरी ओर से फिर से जोहार। धन्यवाद शंकर बाबू। अब आपके बीच में हमारे गुरीदी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भीम मुंडा जी से आग्रह करूंगा, आकर अपने विचार व्यक्त करेंगे। सभी को, छोटों बड़ों, माँ बहनों एवं आए हुए अतिथियों को मेरे ओर से झारखंडी जोहार। आज हम लोग जो ये 5 पंचायत थे, ये एक ऐतिहासिक जगह है जो इस तरह का आज हुजूम लगा दिए हैं। हम लोग आए हैं कुछ मन में बना करके, उस मन को कभी खत्म नहीं करना है। आज हमारे इस सभा में जो गणमान्य लोग आए हैं, इन लोगों को बहुत पहले भी पहचान रहे होंगे और आज भी पहचान रहे हैं। हम लोग इसी तरह का गणमान्य हमेशा देखना चाहते हैं, ताकि हमको हर समय सुख दुख, हर रास्तों में, हर कांटों में हम लोगों को मदद करने के लिए हमेशा आगे रहे हैं। और झारखंड में भी हमेशा अपना शान बान बना करके चले हैं। हमको ऐसे ही उम्मीदवार को, ऐसे ही आसू पार्टी के सुप्रीमो को जिता करके विधानसभा भेज करके हमें मुख्यमंत्री का पद दिलाने का काम करेगा और दिल्ली विधानसभा करेगा। और आज हम लोग 5 पंचायत में जो संकल्प लिए हैं, जो 13,000 पार करना है ना, हम उम्मीद करते हैं कि 1,000 और पार कर देंगे। आसू पार्टी जिंदाबाद, आसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही आशा रखते हैं। बहुत हमारे इस मंच के वक्तागण भी हैं और आप लोगों के बीच से भी कुछ अगर किन्हीं को बोलने का मौका मिलेगा तो जरूर 2 सवाल रख करके उनका जवाब सुनने का भी प्रयास कीजिएगा। इतना ही कहकर मैं अपने वक्त को विराम करता हूँ। जय झारखंड, जय आसू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा भीम मुंडा जी से। अब हमारे पंचायत समिति सदस्य संजय तिर्की जी से आग्रह, वो भी 2 शब्द रखे। सबों को झारखंडी जोहार। मंच में संबोधित करने से प्रथम हम इस बार एक ही नारा लगाना चाहते हैं, अब की बार गांव की सरकार, अब की बार गांव की सरकार। तो इस बार हम यही कहना चाहेंगे कि सिल्ली विधानसभा में हम लोग सुदेश भैया को इस बार जिता के विधायक नहीं मुख्यमंत्री तक देखना चाहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी बाबू। इसके बाद हमारे गुरुदी पंचायत अध्यक्ष
हमारा विजय उराव बाबू अपने दो शब्द रखेंगे। धन्यवाद संजय भैया। आज प्रस्तावित प्रखंड अनगढ़ा के 5 पंचायत में चुनावी सभा में उपस्थित हमारे पार्टी सुप्रीमो माननीय सुदेश कुमार महतो जी, मंचासी सभी पदाधिकारीगण और जितने भी माताएं बहने सब पार्टी को आज देखने को मिल रहा है कि दिल्ली विधानसभा में जो हम लोग का प्रस्तावित प्रखंड चुनाव जो है आज इतना भीड़ को देखते हुए लग रहा है कि सभी माताएं बहने अब जहां कहीं भी अब पिछले बार जब गलती किए हैं आज उसको दोबारा ना दोहराए और आने वाला दिन के लिए हम लोग 5 साल के लिए हम लोग भावी मुख्यमंत्री यहां हम लोग झारखंड में भेज रहे हैं। यही शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जोहार। धन्यवाद विजय बाबू। अब आपके सामने हमारे युवा साथी पंचायत समिति सदस्य सुरेश उराव जी अपना विचार रखेंगे। हेलो, सबसे यहाँ पर मंच में जितना भी बसे माँ बाप सबसे जोहार। हमें केवल सुरेशदार सबसे दिलदार खुशहार हमें केवल कोई नेता में कहें और इस बार हम के दादा भारी मतों से जीत लेंगे। एकदम ओके क्लियर है। कोई किंतु प्रभु नहीं एकदम ओके कर ले और सुपर ही जीत गए। राय हम यहाँ झारखंड में उम्र से प्रधानमंत्री के क्या बोलते हैं ना सुदेश महतो जिंदाबाद जिंदाबाद सुदेश महतो जिंदाबाद। इसके बाद हमारे बीच हमारे जोड़ा प्रखंड के जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि जयराम महली जी दो विचार रखेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। शहीद दिनेश तिर्की चौक के इस पावन धरती पर आज सु पार्टी द्वारा और आज के इस सभा के अध्यक्ष महोदय इस सभा के आए मुख्य अतिथि बड़े भैया सुदेश कुमार महतो जी, मंच पर आसीन केंद्रीय प्रवक्ता देवसरंदा और प्रखंड के विभिन्न गांवों के पंचायत माताएं बहने बुद्धिजीवियों के सभी सदस्यगण समाज के अगुआ और सभी मार्गदर्शकों को आज की चुनावी सभा सुनाव में सबको प्रणाम और जोहार अर्पित करता हूँ। साथियों आज का जो ये संकल्प है गांव गांव में सभी माताओं बहनों के माध्यम से चूल्हा पर्व मनाया गया है और ये सपना है कि यहाँ 36 का सरकार नहीं बल्कि 32 का सरकार बनाना है। ये झारखंड में छत्तीसगढ़ या नहीं बल्कि 1932 का खत्ती यानी रैयत ही यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। वो है सुदेश महतो जी। 1932 का सर्वे इकट्ठी होने लगा है तो किन्हीं के पास नहीं, वो भी मिस्टर सुदेश महतो के पास है और 1932 का हम लोग सर्वे खतियान का मुख्यमंत्री बार बनाएंगे। ये लड़ाई स्थानीय लड़ाई नहीं बल्कि ये लड़ाई गांधी का है। ये लड़ाई 32 और 36 का है। छत्तीसगढ़ और 1932 को झारखंड का कुर्सी सपना है। इसके लिए
आज संकल्प ले लीजिए कि सभी चूल्हा प्रमुख जिसका जिसका जिम्मेवारी लिए है, 5 घर 7 घर 5 चूल्हा 10 चूल्हा 20 चूल्हा करके लिए है, ये त्यौहार ये त्यार और ये भरोसा सिर्फ चुनाव तक ही नहीं बल्कि चुनाव के बाद भी ये प्यार आपका रहे और आप भरोसा दीजिए, उसको विश्वास दीजिए कि इस बार गांव की सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं, इस बार गांव की सरकार रहेगी, आपकी सरकार होगी। ऐसा महसूस ना हो, एक एक कार्यकर्ता, एक एक चूल्हा प्रमुख, एक एक कार्यकर्ता आप सुदेश महतो है और एक एक घर एक एक आदमी के साथ सुदेश महतो बनकर खुद आपको आगे आना होगा। सुदेश महतो ने कमी आपको खुद पर पूरा करना होगा, आपको आप सभी सुदेश महतो है और सुदेश महतो रूप में आकर के आपको सेवा करना है लोगों का। कभी ये महसूस ना हो कि सुदेश महतो, हम लोग सुदेश महतो जी को पूरा छूट दे रहे हैं। माननीय सुदेश जी आप जाइए, पूरा दिल्ली आपके लिए स्वागत है, दिल्ली आपके झोली में है, आप दूसरे जगह से खेती करके लाइए, आपको छूट दे रहे हैं। तब इसके लिए चुनाव प्रार्थी है साथियों, आज से अभी 12 तारीख तक हर घर में खुटा गाड़ दीजिए, किसी और कहां कोई जगह नहीं है, अगर है तो सिर्फ आज शुरू है और रिजल्ट के दिन में दर्जन भर का केला नहीं बल्कि सभी बूथों से केला कानी निकलना चाहिए, सभी बूथों से, और 12 तारीख को लगना चाहिए केंद्र केला का दिन लग गया है, जिसको आने वाले दिन में काटेंगे, केला का दर्जन भर नहीं बल्कि केला का कान ही निकलना चाहिए, तो सीना और उन लोगों का जो हार कपना चाहिए कि भाई केला ही केला केला में हो गया है। बस इतनी बही वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद। इसके बाद आपके बीच में हमारी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता झारखंड आंदोलनकारी आदरणीय देवसरंदा से आग्रह है कि सभा में आकर अपने विचारों से हमें धन्यवाद। संचालक महोदय और इस चुनाव के इस चुनावी जनसभा में जन आशीर्वाद सभा में उपस्थित आप सभी के लोकप्रिय चहेते और पूरे झारखंड के उम्मीद आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी मंच में आसीन, इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता और इस पूरे जोनहा के 5 पंचायत से आए हुए माताएं बहने पत्रकार बंधु सबको मैं सबसे पहले जोहार करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन जुनहाले ऐतिहासिक दिन है। सबसे पहले तो जुनहा में जितना आबादी है हमके लगे कि उतना आबादी कर आदमी करीब करीब ही उठ के आ जाए। आप लोग बोल रहे थे इस बार 12,000 पार 13,000 पार, तो यही तो 8-10,000 खड़ा है आप लोग, तो 8-10,000 और 2-3,000 घर में होगा, कुछ धनकटरी में गया होगा, तो सबको मिला लीजिए और इस बार उससे भी ज्यादा 14-15,000 पार करके दिखा दीजिए। हमको लगता है पूरा जुना में केला का बगान सज चुका है, केला पक चुका है, अब छिलका केवल फेंक दीजिए उधर, सब फिसल फिसल के गिर जाए। मैं भी एक आदिवासी हूं और अभी एक
हेलीकॉप्टर से आदिवासी आए गए थे, अभी आए वाला है। वो बोलेगा कि मैं आदिवासी हूँ, लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूँ, जिस समय मैं लड़ रहा था उस समय तुम पढ़ रहा, वो भी स्कूल से भागता था। और बहुत अच्छी बात है कि उसको मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं मिला, मिला, लेकिन जब देखे कि वो फाइल में कहाँ साइन किया, तो यहाँ का स्थानीय भाषा अनुराग मुंडा हो संतान कुड़माली भाषा में जो जेपीएससी में परीक्षा देता था हमारा लड़का लोग, जिसमें पीडीओ सीओ बनता था, उससे वो भाषा को ही गायब कर दिया। जब पूछा गया, अरे भाई आप तो यहाँ से यहाँ का भाषा भी गायब कर दिए, तो पता नहीं हम तो ऐसा थे लिखा गया तो गायब हो, इससे राज चलेगा। बोल रहा है कि हम सबसे बड़ा पार्टी है, बहुत लोगों को मिला जुला के चल रहा है, किसको किसको मिलाया है हमको तो पहले, जिस समय हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे अलग झारखंड राज का, तो झारखंड का एक पहचान बन गया था। हम एक बार बंबई गए थे, तो बंबई में हॉस्पिटल में गए थे, कैंसर हॉस्पिटल में, वहां जब हमने कहा कि हम झारखंड से आए हैं, तो बोला अरे वहां से जहां गाड़ी वाला जो हम, हाँ हाँ गुरु जी, अरे जो तिहाड़ जेल में है, हाँ मेरे काहे जेल में है, तो बोला वहां घोटाला करा है इसलिए जेल में है, मतलब झारखंड को बेचा तब जेल में है, टमाटर की तरह यहाँ के लोगों को बेचा गया। टमाटर का दाम बिलेती का दाम का जाना लगे, चार आना आठ आना में झारखंड आंदोलन को बेचा गया, उसके अगेंस्ट में उसको जेल में भेजा गया, तो उसके लिए आप गर्व कर सकते हैं। एक तो बेचने वाला और एक तो खरीदने वाला, कौन खरीदने वाला, कांग्रेस पार्टी जिसमें नरसिंह राव थे, यही झारखंड आंदोलन को खरीदा था, ये दोनों एक के साथ बैठ के घूम रहा है, और एक तो पूरे झारखंड को बदनाम कर दिया और चल दिया। लालू यादव जो बोलता था मेरे लाश में बनेगा झारखंड, वो एक ही जहाज में बैठ के घूम रहा है। अब बताओ ये लोग क्या करेगा रे भाई, झारखंड झारखंड को लूटेगा, लूटने दोगे झारखंड को, लूटने दोगे झारखंड को, ये लोग लूटेगा झारखंड को, बेचेगा, बेचने दोगे, सब चीज तो बेचिए दिया, बालू लोहा जल जंगल सब तो, अब हाथियों से भी सबसे गायब हो जा रहा, तीन चार को बाइक है जब डहर में निकले ना कम से कम, वो भी बीत जाएगा। और ये लोग मिल करके उसने एक सरकार बनाया था जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर सब मंत्री होटवार जेल चला गया, ऐसा बदलाव किया पूरे झारखंड को, झारखंड समृद्ध है, लोग बोलते हैं झारखंड में सब चीज है, सोना है लोहा है कोयला है अपना है, क्या नहीं है झारखंड में, अगर झारखंड में कोई चीज का कमी है तो झारखंड में सही नेता का कमी है, सही नीति का कमी है और सही नियत का कमी है, और उसको पूरा करने का क्षमता अगर किसी नेता में दिखाई पड़ता है वो सुदेश कुमार महतो है, दूसरा कोई नहीं। आज जब हम लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं तो दिल्ली से कुछ पत्रकार लोग फोन किया, क्या किया, अरे भाई झारखंड में ये आसू पार्टी का बात को लेकर के इतना बात को जनता के पास ले जा रहा है कि पूरा लोग गंगा किनारे से लेके सोन नदी किनारे तक सब कोई केला केला बोलने लगा, आसू पार्टी जिंदाबाद। आज तक सिर्फ सिल्ली में केला था, रामगढ़ में केला था, तमाड़ में केला था, आज पूरे झारखंड में केला हो गया, और सुपौली जिंदाबाद। हम लोग अभी 53 जगह पे लड़ रहे हैं, हेमंत सोरेन 43 जगह पे लड़ रहे हैं, वो छोटा हो गया, छोटा हो गया, कांग्रेस पार्टी उससे भी छोटा, वो तो 30 जगह पे लड़ रहा है। अगर सबसे बड़ा पार्टी कोई है झारखंड में, आज एक तो हम लोग ऊपर है भारतीय जनता पार्टी, उसका वो लोग तो साथ में थे, हम लोग बतिया रहे थे, तो हिंसा नहीं दे रहा था, क्या बोल रहा था, जब हम लोग बोलते थे स्थानीय नीति में परिवर्तन करो, सीएनटीएस में की
औकात को जानते हो, हमारा हैसियत और हमारे औकात को चुनौती दिया गया। आज सुन पार्टी ने और आज जब हम निकले हैं तो कारवां बढ़ गया और पूरे लोग बोल रहे हैं सरकार कोई जनता का सरकार कांग्रेस का सरकार फाना है और हम लोग इस बार दिखा देंगे पूरे भारत में कि व्यक्तिवादी राजनीति नहीं चलेगा। अब गांव का पक्का बच्चा क्योंकि गांव को लोग सोचता है अभाव वाला इलाका और शहर को बोलता है सुविधा वाला इलाका। अब गांव को सुविधा दिया जाएगा और शहर के लोग गांव की तरफ आएंगे, ये चीज करना चाहते हैं। आसू पार्टी ने इस बार थाना है और पूरे देश का पूरे राज्य का सब कोई मान रहा है कि अब पूरे अपनी बार लगता है कि सुदेश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे जी का ऐसा सुदेश लोग बोल रहे हैं। लेकिन बता देना चाहते हैं और दिल्ली के इस धरती को और आप तमाम लोग को नमन करते हैं, धन्य है आप लोग कि आपके वोट से सुदेश जी विधायक बनेंगे और इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सौभाग्य आपको प्राप्त है, इसके लिए आपको धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद। अब आपके बीच में हमारे पार्टी के प्रमुख और झारखंड के विकास पुरुष और सिल्ली विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी अपना विचार रखेंगे। आपसे आग्रह करूंगा मैं जोरदार नारे के साथ इनका स्वागत करें, सुदेश महतो जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद और सुदेश पाटिल जिंदाबाद। आज भाई साहब मेरे ऊपर बहुत लंबे लंबे आ गए। प्रस्तावित प्रखंड जोना कर विकास मैदान महान हमरा कर बीच महान ई कार्यक्रम कर हमरा कर आदरणीय अध्यक्ष महेश बेदिया जी मंच महान हमरा संगे जरा कथा एखन तरह सुनले है। आदरणीय पार्टी को आंदोलनकारी नेता डॉक्टर देवशरण भगत जी जोरदार ताली बजाई देने रखे एक बार। हमारे मंच महान पार्टी को वरीय नेत्री और जिला परिषद सदस्य श्रीमती सरिता देवी जी मंच महान हमारे संगे आदरणीय प्रखंड अध्यक्ष शंकर बेदिया जी अमर मुंडा जी सत्यनारायण मुंडा जी घासनी देवी जी विजय उराव जी सुरेश उराव जी जुलियानी लकड़ा जी भीम सिंह मुंडा जी शंकर मुंडा जी संजय तिर्की जी मधुसूदन बाबू रोहिपत बाबू गोविंद बाबू बलिराम बेदिया और जितना मंचमान है। सरिता सबसे पहले बोल दिया कोई ना और अवल वर्षों मेरा नेता सभी चूल्हा प्रमुख और ग्राम प्रभारी भाईरा जरा मोर लीडर है के मयोरा के सबले पहले धन्यवाद देहन आभार व्यक्त कर। गांव के आयु हजारों हजार की तादाद में ये पांच पंचायत लेवल हर परिवार को एक एक दीदी को हमार प्रेस मीडिया को और भाईरा को हार्दिक स्वागत करे हम जोहार करे हम सबके गोर लगे होला। आज 2019 चुनाव प्रारंभ हो गया है, आज दूसरा दौर कर अंतिम प्रचार और तीसरा दौर कर घमासान प्रारंभ है। आज जोना महान हम सब पांच प्रखंड कर प्रस्तावित पार्टी कर प्रस्तावित पंचायत महान आज 10,000 ले सांगी लोग आज सब घर घर ले आए कि एक टीम जोड़ो होना है। आज जोड़ो ही खाती रहला यो
कि अपन शक्ति के एकत्रित करे खातिर पार्टी कर पंचमहल अपन जनादेश के संग्रह करे कर खातिर आज सब परिवार घर लेबर आई आज हमरा ये विकास मैदान महान अवस्थित हला यो विकास मैदान महान हमरा सबके आओ ये हमर पांच पंचायत लगातार ये झारखंड को राजनीति कर एक बदलता हुआ स्वरूप कर उदाहरण रहे के झारखंड के जब बदलन देखे पारे तो निश्चित है जोना है के जोना को आसपास को क्षेत्र प्रथम बार भारत को आजादी को स्वाद पाइल की बार पहली बार जरा जीवन का नरकीय अवस्था में था ए जीवन के सरल बनाई के पब्लिक और दुआर महान रोड पहुंचाना विकास पहुंचाना और पहली बार जीवन के सहज बनाओ कर बादे एक ता बीच कर का लेसन आओ रहे जो पर हमार लोग के भ्रमित करी के हमार पब्लिक के भ्रमित करी के भ्रम महान डाली के मत परिवार के तोड़ी के एक ता पूरा भारत वर्ष महान देश को अंदर राज को अंदर एक ता नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। आज जो है परिवार उसी परिवार का चिराग घर से निकलकर आज सु पार्टी का झंडा उठाया है आज सु पार्टी को आगे बढ़ाया हम आश्चर्य है कि एक 18 साल का नौजवान ये पूरा पांच पंचायत को समझदारी रखे लगला है ये 18 साल का नौजवान झारखंड का समझदारी रखने लगा है अरुचवा कोहनला की दादा तो इस समय झारखंड के दही हमरा गांव संभलाव लाए तैयार आई हो हमरा गांव संभलाव तो बाहर संभलाव ये पहली बार ऐसा वातावरण ना उले और वह लोग के जन मन लोग के लेके यह मोर परिवार के तोड़ी के सोना और चावर को सपना दिखाई रहे हैं यह ना दिखाई रहे सोना चावर कर सपना दिखाई रहे से परिवार गिला लुकाई के रायते घुरन लायक रात को घूम रहा है दिने पब्लिक का सामना करने का हिम्मत नहीं जुटा रहा है और आज जब हम लोग मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर तो पांच पंचायत को और पांच पंचायत तक लोग आए अब स्थिति ये हो गया है कि तोराक और बराबरी को रख खातिर पूरा सिल्ली विधानसभा रामगढ़ अनगढ़ा कर लोग आने के फिर बोसी के देखा कोशिश करो अभी प्रदर्शनी हमरा पांच एरिया को एक लोग नहीं ओहे लोग है जे इतना राजनीतिक समझदारी नहीं रखे जिसमें राजनीतिक समझ नहीं है ओहे व्यक्ति नकारात्मक व्यक्ति जे समाज के अलग थलग रखे से व्यक्ति ओकर संगे पहले मोर घर भांगे चलते किना करला पहले बोले थीन कि बेदिया समाज के पिछड़ा है जाते बोला था कि नहीं बोला था एक कदर कह रहा ये कही के मोर घारे घारे ऊ परिवार गिला जे बेदिया परिवार सुदेश मातो के चांदा दे के नॉमिनेशन करावे ये बेदिया परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था चंदा उठा के हमको दिया था नॉमिनेशन करने के लिए ऊ परिवार को हमसे दूर करने का तैयारी किया था आज उसी परिवार में जो काम हमारा गांव का छूटा हुआ था आज पहली बार सुदेश मातो को नेतृत्व ने वो परिवार गिला ले उठी के सबसे पहला प्रमुख के बोला तो अच्छू पार्टी का सिल्ली का प्रमुख बना वो भी बेदिया समाज का बना ये तैयारी हमने कर और आज और बेदिया परिवार एकों तक तो लोगे टिकट बांट लाती ये पूरा समाज फैलो ला है लेकिन वह समाज को और पहला भारत को इतिहास में पहला व्यक्ति को किसी विधानसभा में किसी रीजनल पार्टी ने अगर जगह दिया है उसके नाम है रामधन बेदिया रामधन बेदिया खिचड़ी ले चुनाव लड़ेला ला और केवल चुनाव लड़ा है सुदेश मातो बेदिया समाज को एक विधायक भी देगा ये भी तैयारी ये अब ये तोड़ जोड़ सुनातु सिल्ली राहे समझ गया है तोरा के हिंदे ऐसा कोलोन हुंदे कोले जिंदल लगी जाते उधर बोला जिंदल लग जाएगा
अलग अलग जगह पर ही परिवार को अलग अलग विषय को ही के तोड़े काम कर रहा है। और आज जखन पांच बछरे किना कर ले तो के कहे थी तखन तो कहे थी कि इस बार फिर जीतावा आगू बारे देखबे है कोरी के देखाऊगा कोई तबे इस बार फिर जीता होते कि न किना है जीता होते न किना ओके पता ही नहीं खेन और आगे राजनीति कुछ भी पता नहीं है केवल मंच स्टार माइक की धोरी के सुदेश मातो का सपना देख रहा है इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता है। राजनीति के एबीसीडी भी पता नहीं गिनती पता नहीं काम किया है पता नहीं और ना छोर घरे घरे गगाई मोर ऐसा ही को लग रहा है यही काम कर रहा है। और कौन पार्टी एक एक भाई उठा ये वही पार्टी है मैं तो दूसरा उत्तमान को है ये पार्टी का इतिहास है। देवरंदा बहुत बोल रहे थे दादा इतिहास ही यही है झूठ और लूट एक और सिवा झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ नहीं है केवल झूठ और लूट। झूठ बोलना माने मिथ्या कथा एक तक गलत कथा कोले माई नाराज ही जाए बोलते हैं कि गलत कथा ना कोई एक जनप्रतिनिधि शपथ लेके जो व्यक्ति भारत का संविधान पर हाथ रख के ईश्वर का शपथ लिया है दिन रात झूठ बोलता है ये समाज को दिशा देगा जिसका दशा खराब हो गया वो समाज को दिशा नहीं दे सकता। ये समाज का ये सिल्ली को और इटा एक भूत ढुको रहे भाई इटा के झाड़ी के बढ़ा एक समय है के झाड़वा है नो ये बारह तारीख के नीमछी के बढ़ावे दरकार ढोल नगरा छाड़े दरकार कुली मोली तक पहुंचा गया तैयार आइए ना सबका है तैयार आइए ना दिन रात झूठ बोलती है। पुरुष तो बोलता ही था महिला तो भी इतना झूठ बोलती जिसका कोई सीमा हम नाम नहीं ले रहे क्योंकि शब्द ऐसा जुड़ा हुआ है तो हम क्या करें मोर बोलते नहीं थे भाई क्योंकि और आग मोर नाम ना लेने पेट नहीं भरे मोर दरकार नहीं लगे मोर तो पब्लिक के नवादा है मोर पब्लिक का नाम गरीब का नाम है मोर मोर भगवान मोर पासे आ वसोला है मोर भगवान वसोला है। और सुदेश मातो राजनीति में इसी भगवान का सेवा करने के लिए आया है यही मेरा भगवान है मेरा ईश्वर है यही है एक ही लाइक एक ही सेवा करे पठावला है। और करोब को अरे सोन करोब की दुनिया देखते कोई के जे माइटी सपना देखे छाड़ी दरोय अब सुदेश बाबू पांचों पंचायत गेलवा दे वो माइटी भरोसा बांधला है वो माइटी लगले कि बेटा मोर आई गला है। और मैं तो को ही बोलो यदि दो बच्चा है तीन बच्चा है चार बच्चा है परिवार महान दू छवा तुम तो एक मको मानी ले भाई मैं को ही क्या हो एक यार बेटा तोरा घरे आओ दो भाई है तो बोल के आए कि तीसरा भाई हमको मानना जबकि थकी जावे है जबकि सब रास्ता बंद हो जाएगा तो तीसरा भाई को बुला लेना तीसरा भाई आपके घर और पीछे आज आओला हो खाली आज आशीर्वाद मांगे आओला कि आशीर्वाद दे कि केवल सिल्ली नहीं को पूरा झारखंड जीति के तौर दुआ रहने पर ये सुदेश मातो आशीर्वाद मांगे काफी जीतो अपना पूरा राज्य जीतो अपना पूरा राज्य पूरा राज्य जीतेगा और आगे कोई दान कि विधायक नहीं राज चलाना है झारखंड चला गया है एक और खातिर जनादेश जाते हैं एक और तैयारी हम करते हैं तैयारी उसके लिए करना है तैयारी एक अदना सा गरीब परिवार दो जून का रोटी जिसके लिए नहीं हो उसके लिए सुदेश मातो राजनीति करना चाहता है उसके लिए जीना चाहता है उसके लिए आना चाहता है उसकी तैयारी करना चाहता है। एराखिन सब भरोसा खत्म हो गया जी कोनो भरोसा नहीं बच ले आप भरोसा एक क्या है एबे राय के एरा जाते हैं पैसा के ऊपर खूब भरोसा है एबे एक भरोसा पब्लिक से भरोसा उठ गया पब्लिक छोड़ दिया आप भरोसा खाली पैसे का है एरा रायते जाते हैं हैसला बड़ा रायते जाते हैं सुरसुरपुर रायते जाते हैं छापरगोड़ी एरा गाड़ी एखन अल्लाह गो गाड़ी चापो चार चक्का एखन दुआरे दुआरे गाड़ी आनला है मात
মাছ খাবে না ওটা মইনি গন কিনা খাবে এখন 10 দিন ওই তৈয়ারা এ খাতিরে ওই আহে কি মই জনা করে খুব পাবলিক কে কিনে পারে ये वो दिखाना चाहता है भाई मेरे, वो ये दिखाना चाहता है कि हम पांचों पंचायत को खरीद लेंगे। अरे बता देते हैं कि तो पांच पंचायत किने नहीं पर बे, क्योंकि झारखंड का स्वाभिमान और जोना का स्वाभिमान जाग चुका है। जोना जाग चुका है तो खरीद नहीं सकता, तो खरीद नहीं सकता, ये भी तय हो चुका है। हम ही तो टुकू कोलो आए कि ठुंगरू धोरे पड़ते तो जो रोता है तो जोड़ी ले रहे भाई। अब इसका भी जरूरत पड़ेगा, झारखंड के लिए लाठी उठाना पड़ा था, सहज से थोड़ी मिला था, बिनती से नहीं मिला था, ये राज बिनती से नहीं संघर्ष से मिला था। तो 12 तारीख के लिए संघर्ष करे पड़तो तो तैयार रहो भाई दीदी, नींद निदाना है, जागना है, भविष्य का निर्माण सहज नहीं पावाते, राज सहज नहीं पावाते, लोड़े होते, जागे होते, खाते होते। और जब आप ये काम करेंगे तो जीत आपके दरवाजे में होगा, आप जीतेंगे, आपका भविष्य आपको जीतेगा। तैयार है ना दीदी, तैयार है ना? वही धान तोरा जितना पुराना बम गिला फोल चली गला तुम फुटाई चुकला था रुगलार नहीं चलता, वो बम सब निकल चुका है, उसका तैयारी हो गया है, ये बेलूम फूट चुका है, अब नहीं चलेगा, ये झारखंड को बेचने वाला का सरकार नहीं चलेगा, झारखंड का स्वाभिमान को जो रक्षा करेगा उसी का सरकार झारखंड में आएगा। ये तैयार सामने वाला गिले हो दोम दोस्ती की बात करो तभी रोज पेपर एक नेता देती दोस्ती हमारा दोस्ती कुश्ती मैदाने आए क्या दोस्ती रे है कुश्ती मैदाने फैसला हते दोस्ती नहीं होगा। और पहला कैबिनेट इस राज्य का सबसे पहले 73% आरक्षण सुदेश महतो तय करेगा। ये मुझे बहुत अजीब लगा, देखे नकल करे चलते हेमंत सोरेन एक आरक्षण तो एक दिला है वो जो सुदेश मतो अगवाई जाता है कि ना ओकर खातिर तोराव दे दाग एक तक बोले दे दलती गोराव लिखी दिला थी 27 के 27 पिछड़ा तो लिखो ला 10 के 12 हरिजन को 10 के जगह हम लोग 14 किए उसने 12 ही रख दिया है। आदिवासी के लिए 26 के जगह सुदेश मातो 32% किया, हेमंत सोरेन 26 के जगह 28% होके चाहिए, सुदेश मातो के आदिवासी खातिर 32% चाहिए, हेमंत सोरेन को 28 से भी चले। और वो कल्पना कर रहे हैं और सुदेश मातो ये वही बात कर रहे हैं जो हम लोग कैबिनेट से तय कर चुके हैं, मेरा कल्पना नहीं है। अर्जुन मुंडा सुदेश मातो का कैबिनेट इस राज्य में 73% आरक्षण पहले पास कर चुका है और सुदेश मातो उसी को लागू करने का बात करता है, इसी को लागू करने का बात करता है। कोई तीसरा वर्ग और चौथा के लिए ये सरकारी नौकरी में यही गांव का नौजवान नौकरी करेगा, थर्ड प्रेफरेंस झारखंडियों का होगा, ये तय हम लोग ने किया, ये आपका होगा। और ये फॉर्मूला जो बनाए हैं स्थानीयता का, ये फॉर्मूला भी पहला कैबिनेट में टूटेगा, ये फॉर्मूला बदलेगा और खेतियान सर्वे का अंतिम सर्वे हमारा परिचय होगा, उसी परिचय के आधार पर हम लोग आगे झारखंड जाएगा, ये तैयारी हम लोग कर। तैयार आया ना, मुझे पार्ले है ना राजगोनी सीएनटी में बात करता है, अपने साइन कर लिया और दुनिया में प्रचार कर रहा है, मैंने सीएनटी में खाली सोरेन परिवार मुक्त है और कहूं जाएगा नहीं पा रहा शंकर मुंडा नहीं ले सकते, ए बंधाला है ए अनगड़ा ले बाहर नहीं जा पा रहे, लेकिन सोवेन परिवार में घोटा ही नहीं पा रहे, नौरा का हूं वाले जो नहीं पा रहे। इतना साल तक सोना का चम्मच लेके पैदा हुआ हेमंत बाबू, राजनीति समझ में नहीं आएगा, झारखंड के लिए कभी लाठी जो ना खाया वो झारखंड को ना समझ पाएगा। और ये आपका बस का बात नहीं है क्योंकि बापे सिरे जी खाला है कोई नहीं जाने को होता है ना, जे बापे सिरे जखन तो खाप हाल चाल पता नहीं करे, हार तो न भाई के जो दिन खेती करे खाए लगा उदिन दुनिया भाव पता चले कोई के, तो एक वो हारे नहीं ना भाव रहे, एक बापे के चाकी ठाले खाला है तो एक वो जनता की नहीं, हमरा हार ज्योति के खाने वाला पार्टी है, क्यों निजे को पार्टी है क्या, हमरा पार्टी के अपन हाथ ले बनाने वाला पार्टी है। तैयार है ना सबका है, देखे जाल फाली ने फेंकता देखे है, ठीक है ना,
संभाल ले बेटा, जयराम बोले संभाल लेंगे, किधर गए बाबू है? हम बोले तो पहले घूर संभाल लो दीदी, होगा ना रिकॉर्ड, जितना वोट नहीं था उतना आदमी आप लोग आए हैं आज। अरे टाइम के वो रामगढ़ लेने वाला है, सिल्ली लेने वाला है, इन्हें आनगढ़ा ले राहे ले के नहीं आया, सब जोना को हाथ उठा हुआ, जितना जोना ले औला है भाई हाथ उठाए जा, इधर गोनी ले लो, ये टोटल वोट कितना है? 19,000 वोटे 15,000 तो ही है औला है, हैं रिकॉर्ड है ना दीदी, रिकॉर्ड बनेगा ना, आपका बेटा क्या करेगा अब ये बता दे रहे हैं। सबसे पहला ये ब्लॉग बनेगा, वीडियो अनगणा ले उठी के जोनाय घोषणा, ये तैयारी कर सीओ जोना से उठ के, अनगणा से उठ के जोना में बैठेंगे और दरोगा भी इधर बैठेंगे, ये तैयारी आपका भाई कर देगा, ये तैयारी पक्का है। हम बोले हैं आपको गांव में जाके, जो मैट्रिक की बेटी बेटा अभी पढ़ रहा है, एक और आगो पढ़ाई को चलते रांची दायक सरकार ने के तोर दुआएं तोर कॉलेज खोलो, पर कॉलेज खोलेंगे यहीं पर करेंगे, ग्रेजुएशन तो मेरा भाई बेटी लोग यहीं पर करेंगे, और ग्रेजुएशन करल बादे 2100 हर छवा को ऊपर 2100 तोर घर जातो, ये तैयारी भी कर दिए ताकि आगे का पढ़ाई करेंगे, आगे का पढ़ाई के लिए तैयारी करेगा, ये भी कर देंगे। पर्यटन का सबसे बड़ा हॉप इसी को बनाएंगे, जोना से पर्यटक रूप से इतना सुंदर जगह कोई और है नहीं, इसको ऐसा सजाएंगे कि दुनिया का सारा पर्यटक यहीं आकर घूमेगा। और सबसे बड़ा काम है थे कि मोर सम्मान के रांची लालपुर जाए के नीलाम है नहीं देवे, लालपुर कांटा टोली जाए के ये जोना का सम्मान नीलाम नहीं होगा, ये गायत कोदायर टिफिन लेके बिहाने जाए के उठिन डाय, और कौन ठेकेदार है कहां काम कराते, काम पावले काम नहीं तो घर वापस आए, यही तो करते हैं। अब ये मेरा परिवार रांची नहीं जाएगा, सूरज उठो ले रांची और डूबो ले घर, परिवार छोआ पुता घर किना को रहतो ना पता नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, सुदेश माँ तो रोजगार आपके घर में देगा, ये तैयारी अपन परिवार पसर हो गए, कोई जाना नहीं अपन परिवार पास रहोबे, हिया दू जी टका कमाए रास्ता हमरा खोलो, ओह खातिर सुदेश मातो राजनीति करे कोजे, एह खातिर राजनीति मान आगू आ कोजे, ये राजनीति है मेरा, राजनीति ये वहां जाके आपको कौन ठेकेदार कहां काम पावले नी पावले घुरिया, ये नहीं पूरा छुआ देख, परिवार देख, घर देख, समूह देख, कहीं जाना नहीं। और युवा साथी अपना परिवार को समय दो, छुआ के पढ़ाओ, परवरिश अच्छा करो, क्योंकि गरीब का बेटा गरीब नहीं, गरीब का बेटा आगे जाएगा, ये तैयारी आपका भाई का, ये भाई ये परिवार हिम्मत के साथ जावर कोई ना, ये राजनीति को खेती बंद कर, विकास को खेती सुदेश बाबू प्रारंभ कर लगिया है, और विकास को खेती यहाँ हो ही तैयारी कर, तैयार है ना सबको, तैयार है ना, टेस्ट करे आइए, सब खड़ा हो जाओ, अगला एक मीटिंग भी सुनकर जाना है हमको, डराई जा सब पे डराई जा, एक तो पूरा कर देना। आरो दो चीज हम ही गांव है, सब गांव है, संवाद करो लाइयो, गेला हो ना गांव, गेला ही हो ना सब गांव, गेला ही हो तो सब गांव है। आर एक ता चीज को ही क्या होला, पानी कर लेके कहला हो ना, तो दीदी एकों तक तो दाढ़ी उड़ी पानी पियो लाइस, कष्ट जीवन जियो लाइस, क्योंकि कष्ट बेटा छुआ इटे हमरा भाग नहीं करियो, सांजे जाए के तो सेखी करी के भात ता एखन नी हेला हमरा कहियो, उठाव सेखी करी के एखन नी करले ओई किना जाने कितना दूर ले माईटी पानी अल्लाह ही, दीदी टी कितना दूर ले पानी अल्लाह है। तो दीदी ये 5 साल आगे बीडीओ सीओ दरोगा ऑफिस तो यहाँ रहेगा, पर्यटन का सेंटर होगा, रोजगार का सृजन होगा, एक और अलावे तोर घर महान नल ले पानी देबो, पानी पीने का पानी नल से आएगा जी, कहीं से लाएंगे, ये तैयारी हम खेती हर लोग जोना बाजार प्रसिद्ध है, यदि दुयो डिस्मिल आए कोई आबाद करी के यहाँ पहुंचावे, पहुंचाया के नहीं बुआ, दो डिस्मिल जगह खेती करी के पहुंचाया,
सुविधा नहीं के खेती कर सिंचाई कर सुविधा नहीं के ताऊ हमारी तो जोर है ये सिंचाई का सुविधा हम किसान भाई को देंगे ये तैयारी करके आए हैं किसान भाई को सिंचाई का सुविधा आपको देंगे ये सुविधा आपको मिलेगा और ये सुविधा करो भी सुविधा हमर तैयारियां है ये सारा सपना ये तैयारी आपका भाई किया है और ये लाभ आपको देंगे ये तैयारी हमारा है तैयार है यह सबका है और दूसरा चीज और सरल करेंगे कि एखन तो वीडियो धरे कर खातिर तोरा के काको एक लोग धरे हो ए शंकर जाबे वीडियो संग बात करेगा ए बाबू जाबे दरोगा संग बात करेगा दरोगा वीडियो सीओ संग मोर गांव कर लोग जाए के सीधा बात नहीं कर पर पारत किरा सकते हैं क्या मैं गांव को नारा कहे दे ले दुनिया पूछ रहा है देवसरन ना बता रहे गांव को नारा देने का प्रेरित आपने किया है आज भी गांव का 80% लोग सरकार को कभी नजदीक से नहीं देखा है सरकार मतलब कौन है हमरा को यो हमरा सरकार वोट दे के हमरा सरकार बनायो लेकिन सरकार का चली जाए बहुत दूर वीडियो ऑफिस वीडियो गाड़ी लिखल है सरकार सीओ गाड़ी सरकार दरोगा गाड़ी सरकार ई सरकार को नहीं खेक दरकार एबेर गांव को सरकार को तैयारी करो पर तबे गांव को सरकार किने हते आप दीदी आज तक ग्राम सभा मेरे ग्राम प्रधान भाई लोग मेरा मुखिया पंचायत समिति वार्ड भाई लोग अभी तक वीडियो ऑफिस से लाट साहबगिरी करते थे आदेश देते थे कि तुम करो ये जनता से 500 का आबादी में जीता हुआ भी प्रतिनिधि होता है और उसका सम्मान शासन का सम्मान देना जरूरी होता है वही शासन है तो एबेर वीडियो ऑफिस जाए खातिर तो के हुआ पहुंचे नहीं को तो गांव एक मुड़ी वीडियो बस्ता कर तो जनता फैसला लेबे हटाई सरकार कर फैसला है कि ये तैयारी करते हैं यही फैसला होगा और दरोगा हुआ गेल वादे एखन तो के दरोगा के यहां जा सकते हैं क्या जाई पारियो एसपी फेसपी मिले पारियो ककरो सों गांव के लोग सपना नहीं देखो नहीं जाई पारियो लेकिन उन लोग गिला हक है उन लोग गिला हमरा कोयों के हमके सुरक्षा देवे खातिर लेकिन गांव के लोग तो डरा भागा पुलिस वाला कोई के डरते हैं कि नहीं गांव का लोग ये डर नहीं दादा इसका कल्पना को यथार्थ में बदल के आपका बेटा दिखा देगा एक और बात थाना जाबे तो थाना महान स्वागत कुछ लिखल रहते एक गांव को साधारण पब्लिक को जाए के चौकीदार है जहां बाहर को रहले ओहे चौकीदार धरी धरी ढुकाउते और पहले चेयर बसाउते एक गिलास पानी दे तो आ पूछ तो तोर किना काम है के गैसन शासन देवे चाहो यही सरकार सुदेश मातो बनाना चाहता है तैयार है यार बनना चाहिए कि नहीं ऐसा बनना चाहिए केव ककरो पर विकार नहीं स्वतंत्र जीवन जीवे कर अधिकार देवे खातिर सुदेश मातो गांव कर सरकार बनाओ को जैसा है ना सरकार बनाना है ना तैयार है ना कस्तूरबाई जाए चलते पैर भी कस्तूरबाई जाए चलते पैसा पैसा देले एडमिशन है तो कस्तूरबाई छोवा कर पैर भी के कोरी देतो हेले एडमिशन है तो गरीब घर कर बेटा बेटी कर एडमिशन कस्तूरबाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ओकर पेछू ही जाए के काको पैर भी कर लेगा ही हेते ऐसा 10 स्कूल खोलना पड़ेगा तो सुदेश मातो खोलेगा और गरीब का बेटा बेटी पढ़ेगा ये तैयारी तो वे तैयार सबका तैयार है ना 10,000 पार कितना पार करना है 13 पार 13 पार रहते ही ना आज मुके को ही दे 13,000 पार कर बे ना इबार करेंगे ना देखो ये बार जीतना नहीं है हम अपना भाई लोग को बोले जमानत जब्त होना चाहिए करे पार बे कि नहीं करे पार बे कि नहीं करे पार बे कि नहीं को ही दे आवाज दे हेते भाई रा हेते इधर भैया लोग होगा आवाज दे जोना महान क्रांति आ जाए बदलाव है क्रांति उतर कर विकास मैदान पे आ गया ये दिखा दीजिए आप अच्छु पार्टी जिंदाबाद अच्छु पार्टी जिंदाबाद अब हम ही कहो अब की बार तोरा किने कहबे तो एक बार उठीन जाना चाहिए वो खानदानी बाबा घुमा एक बार जाओ इन्हें और खानदानी बाबा है केन और आके खाली दुईटा चीज चाहिए वोट और नोट ओए लोग को नहीं एरा के वोट हमरा ठेकेदार यहां लोगे कियो फुटल लोग के और आके देबेन वोट और वोट के बाद और आके चाहिए नोट वोट और नोट वाला पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है ये दो एक का जरूरत पड़ता है गुरु जी को यही जरूरत पड़ता है और कोई जरूरत नहीं पड़ता है बाकी सब झारखंड झारखंडी सब ठीक है बोलता है ये बचपन में भी थी तो यही नारा और आज भी यही नारा है
वोट दे तो रे सब ठीक है वोट देना और बाकी नोट हम लोग लेगा ये तैयारी करना है यही होता है तैयार अब की बार दिल्लियों पहुंचाई दान दोस्ती रखे है और अठीनों जाना चाहिए ना देखबे है एक टुकु देखबे है रा एखन दोमे पार्टी चुनाव लड़ो होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा जेबीएम सीपीएम आरो बहुत नियरा है लेकिन एरा दीने बरहात अपन दल लेके रायते ओइनो दले बस ध्यान रखना यहाँ पहसन ऐसा विश्व हिंदू परिषद नहीं देखे है जे जाय के जेमएम एक दुआरे जाय के रायते बसे सा है ऐसा विश्व हिंदू परिषद नहीं देखे ओ निकल रहा है वो दिने नाश्ता कहूं भोजन कहूं और रात विश्राम कहूं कर लगला तो ध्यान रख पे गांव में जाके हिंदू परिषद करला कौन टीम किना कौन टीम किना कौन टीम किना कायले धरो रथिन गांव के लोगे कायले हां वो सालसूद में साइदा में धरो रथिन एरा घून निया दुखो थू ये केला बागान साजल देखी के चोरा कोशिश करता रे बाबा तो कोई दान चांद राजा धोखा खरो है चांद राजा धोखा खला है तो ये केला बगान भालो से सजाए रखवे चोरी नहीं ना होता ये पाकोल केला देखी के लोग एक नजर लगते हैं चोरी नहीं ना होवे दबान दीदी लोग चोरी नहीं ना होगा कहीं 100-200-500 में अपना ईमान नहीं ने बेचेंगे ईमान बेचो कि ना पैसा ईमान बेचो कि ना और कोई दानी बुद्धि के लबाई दे रखते ये हमरा की सिल्ली धारे जोना सेना तो धारे गिला नीचे कोई के जितना प्रकार के भूता है एरा 500 वोट के ठेकान ना लेकिन घर भांगे लई गोटाई जाई बुरो हतला गोटाई जाई बुरो खेलाई बुरो किना खाबे किना पीबे कोई दान बात आएगी लादा बात आएगी बने लादा बात आए या खाली अच्छू जिंदाबाद आए कोई न बोलो ने के अच्छू जिंदाबाद आए के सही बात है अब एक बार जोरदार अच्छू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद अच्छू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद धान खेरेया होन आबाद खेरेया होन 12 तारीख के जखन तक डिमनी ना ढुकाविस तखन तक तोर ना लगो ध्यान रखबे 12 तारीख के डिमनी ढुकाओगा हो ना ढुकाल वाले एक दिन सात ताई उठी के वोट को पूरा गरीब का दुनिया और जोना का पूरा इतिहास सुदेश मातो पलट के आपको 5 साल में देगा ये बहुत बहुत धन्यवाद जोहार और सुपोटी जिंदाबाद और सुपोटी जिंदाबाद सुदेश महतो जिंदाबाद सुदेश महतो जिंदाबाद 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 अब की बार